भैया क्या दिन रात एक्सपेरिमेंट करते रहते हो? चलो मौसम अच्छा है कहीं घूमने चलते हैं। ओए मोटू मेरे पाई मेरे यार, तुम इस समय यहाँ से चले जाओ। तुम जहाँ जहाँ जाते हो खतरों की बारात लेकर आते हो यार। बड़े भैया ऐसा मत कहो, अरे मैं तो लोगों की मुसीबतें दूर करने के लिए मशहूर हूँ, क्यों पतलू? हाँ मोटू हमेशा दूसरों की मदद करता है, वो बात दूसरी है कि मेरी हर प्रॉब्लम की वजह मोटू ही है। तो रेडियो मेरी आवाज को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार, और मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिसको किसी तारुफ के वो उनको जरूरत नहीं है। वो अपने आप में ऐसी शख्सियत है जिनको शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो उनको जानते ना, उनके क्रिएशन को ना जानता हो। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हरविंदर मनकर जी से। एंड हरविंदर मनकर जी इज अ वेरी टैलेंटेड कार्टूनिस्ट, राइटर एंड डायरेक्टर ओवर 800 एड फिल्म्स, जिंगल्स, प्रमोशंस, लाइव शोज, टीवी शोज एंड फीचर फिल्म्स। He is well known for his work as a cartoonist and in animation world. His comics series character Motu Patlu, published in Loadport magazine. Its 3D animation, agar hum baat karein ki 3D animated television series adaptation is airing on Nickelodeon right now, and the feature film of Motu Patlu is on big screen. He is a founder of Art Studio, chief cartoonist of Weekly Loadport, MD at Worldwide Multimedia and director at Mayapuri Film Weekly. As a script writer, he wrote almost 800 ad films which have been telecasted in Doordarshan, MTV, Sony TV, Discovery Channel, Lashkara, Z Punjabi, ETC Punjabi, DD Urdu, Z TV and Singapore TV. He created special drawings that were used by Pan Nilan for his Hollywood film Samsara, released in 2001. He has solely managed the role of scriptwriter, dialogue writer, lyricist for the 3D animation movie Icy and Spicy. And he has been involved in scriptwriting and direction of many corporate live shows. और अगर award की बात करें तो आप देखें कि राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2013 में आपको मिला, अरिहंत एजीएम एनुअल अवार्ड 2012 में बेस्ट राइटर एंड डायरेक्टर का आपको मिला, फरार हिंदी फिल्म के अंदर आपको बेस्ट प्रमोशन अवार्ड मिला, चेतना भारती अवार्ड मिला, बेस्ट स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री ताल बेताल एंड भोपाल, और मस्त मस्त म्यूजिक अवार्ड मिला, लिरिक्स एंड डायरेक्शन ऑफ द शो ऑनर्ड बाय ट्रू वुड फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग एंड डायरेक्शन ऑफ डीकोड 7 शो, कल्पना लोक अवार्ड 2013 मोस्ट वर्सेटाइल आर्टिस्ट ऑफ डेकेड। सर और क्या? सर बहुत 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 नमस्कार और शुक्रिया, एहसान आपका जो आपने हमें बहुत कीमती वक्त आपने हमें दिया। नहीं हेलो, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत मुश्किल से वो ऊपर वाला, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ईश्वर आपको कुछ छोटी छोटी नियामतों से नियाजता है, और वो नियामतें अगर आपके काम में जुड़ती हैं, आपकी पहचान में जुड़ती हैं, और आप जैसे अच्छी शख्सियतें अगर अपना वक्त निकाल के मेरे जैसे दास का कुछ बातें करती हैं, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। मेरा आपको शत शत प्रणाम, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे लोटपोट से। जी सर, मेरे को आज भी याद है जब मैं छोटा था तो तब मैं लोटपोट पढ़ता था। मैं उस टाइम पे काफी इंद्रजाल कॉमिक्स आते थे, नंदन आती थी, और आपके और बहुत सारी मधुमुस्कान आती थी, पर लोटपोट के कैरेक्टर्स वो ऐसे थे, उसमें एक डॉक्टर झटका हुआ करते थे, उसमें एक घसीटा राम हुआ करते थे, उसमें मोटू पतलू के साथ साथ में, वो सब बहुत यूनिक उस टाइम के जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो आज भी अनकार्ब्ड हैं हमारे, मतलब मेरे उसमें तो मैं ये कहूंगा। और उसके बाद में आपको, आपका देखें सर, मतलब मैंने जब आपको स्टडी करना शुरू किया बेसिकली, तो सर शुरुआत में तो मुझे लगा कि लोटपोट कोई और बंदे ने लिखा होगा और अब का एनिमेशन जो है किसी और बंदे ने किया होगा उन कार्टून्स को, फिर मुझे पता चला आप ही वो बंदे हैं जो कि मैं, जिनका इतना बड़ा फैन रहा हूं।
तो मैं लिटरली मेरे को ऐसा लगा कि मैं आपके चरण स्पर्श कर लूं कि मैं आपको कब से मिलना चाहता था और आज आज मुझे वो मौका मिला कि मैं आपको देख पा रहा हूं, आपसे बात कर पा रहा हूं। सर एक बचपन से एक वो रहता है कि ये इनको मिलना है। आप जी, जी. आप उन लोगों में से रहे हो जिनको मैं बचपन से चाहता था मिलना और आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। आप मेरी खुशी नहीं समझ सकते, मैं कितना खुश हूँ आज इस चीज को देख के। सर दरअसल सर जी 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 हाँ आप प्लीज कहिए। सर मैं आपकी आपकी जो पूरा एक वो रहा टेन्योर रहा आपकी जर्नी जो थी कि आप कोयले से शुरुआत करी और एनिमेशन तक आप पहुंच गए तो एक बहुत बड़ा चेंज है सर। कोयले से शुरू होने के बाद में एनिमेटेड वर्ल्ड तक आ पाना, बॉलीवुड तक अपनी छाप छोड़ पाना, सर मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा कि आपने कैसे सर वो रहा और क्या उसके बाद में। सर मैं आपके कैरेक्टर के बारे में भी पूछूंगा जो लोटपोट के कैरेक्टर जी जी। तो सबसे पहले सर आप इसके जी बहुत इंटरव्यूज दिए मगर मैंने ना कुछ चीजें मेरे से कभी मैं बयान नहीं कर पाया शुरुआती दौर जी। आपने जब शुरू किया ना बात को कि मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं तो मुझे मैं इसलिए आपके समकालीन में हूं कि मैं बचपन से बनाता आ रहा हूं। वो विश्वास नहीं होता है कि एक 12 साल का बच्चा अगर लोटपोट बना रहा है तो उस समय में भी आप 5 साल के होंगे या 10 साल के होंगे या जितने भी होंगे वो लगता है ऐसे है लेकिन कि सदियां बीत गई उस चीज को 40 साल बीत गए। मैं शुरुआत करता हूं जिस शख्स का मैं स्कूल में पढ़ता था और मुझे टेढ़ी मेढ़ी लाइंस खींचने का शौक था तो एक शख्स से मिस्टर योगेश मित्तल वो आज भी हैं और ऐसा इंसान मेरी जिंदगी में अगर नहीं आता तो शायद मैं यहां नहीं होता। वो शख्स खेल खिलाड़ी एक मैगजीन आया करती थी उस जमाने में जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता हूँ स्पोर्ट्स की एकमात्र मैगजीन हुआ करती थी जी। मनोहर सिंह उसके पब्लिकेशन होते थे योगेश मित्तल जिसके एडिटर हुआ करते थे वो खोजते खोजते मेरे घर में आए। मैंने कार्टून भेजे थे उसमें पॉकेट कार्टून छोटे से तो वो आए और उन्होंने मुझे ले जाके फिर उस मेरे में पता नहीं क्या देखा उस शख्स ने बिना किसी स्वार्थ बिना किसी अपने पर्सनल फायदे के मुझे NS धम्मी स्टूडियो हुआ करते थे पटेल नगर में वहां पे ले गए कि ये लड़का है इसको आप वो नॉवेल्स के कवर बनाया करते धम्मी साहब जी जी एक तरह के वो मेरे पहले उस्ताद हो गए क्योंकि मैं कमर्शियल वे में मैं पहली बार वहीं जाके टिका जी वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए क्योंकि उसके बाद छुट्टियां खत्म हो गई और 10वीं क्लास मैं 9वीं में पास हो गया और मैं 10वीं में चला गया तो छूट गया वो सब कुछ जी। लेकिन वो एक उन्होंने वहां पहुंचा दिया जहां से तब हिंदुस्तान में जैसा आपने जिक्र किया इंडियन कॉमिक्स नहीं आया करते थे जी इंद्रजाल करते थे फैंटम हो गया फैंटम लोथार बेंड्रेक नार्डा एकमात्र इंडियन जो लिखते थे आबिद सुरती साहब बहादुर बहादुर नासो दुआ करता था उनका एक वो उन्होंने बनाया हुआ था जी वो आबिद सुरती साहब का था जी। तो बहादुर हमने उस समय हमने नूतन कॉमिक्स में पहले इंडियन कैरेक्टर मैंने जो बनाया था चतुरलाल था भूतनाथ चतुरलाल अमर अकबर सीरीज जी, तो वहां से फिर मैंने लोटपोट मेरा पहला कार्टून मधु मुस्कान में छपा था तब मधु मुस्कान चंपक बाल भारती नंदन छोना बहुत सारी मैगजीन थी लोटपोट जी। तो मैं सब में कार्टून भेजा रहता 5 रुपए मिलते थे जनाब एक कार्टून छप जाता था अगर तो 5 रुपए मनी ऑर्डर से आते थे सोचिए वो 5 करोड़ से भी बड़े आज की डेट में अगर हमें वो महसूस क्योंकि बच्चा जो वो 1 रुपया खर्ची मिलती है लेकिन वो 5 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम वो भी कमाई की जी। तो वहां से मोटू पतलू जब मैंने 12-13 साल का होऊंगा तो पहला मोटू पतलू था रोको मत जाने दो और हाँ इसमें एक कोमा अगर हम रोको पे लगा दे तो रोको मत जाने दो मत जाने दो ये कंफ्यूजन जी। उसमें बहुत सारे लोग जुड़े करते करते उसके साथ क्योंकि लोटपोट मैगजीन के साथ ही उनकी को मैगजीन मायापुरी फिल्म भी निकली थी जी बिल्कुल मैंने वो भी पढ़ी है। मेरा सौभाग्य था कि विश्व प्रमोद बजाज के साथ मैं जुड़ा उस जमाने में कि मायापुरी जुड़ने से मेरे फिल्म इंडस्ट्री मेरे साथ जुड़ती गई नहीं तो आप पहुंच ही नहीं पाते शायद इन जगहों पे कभी तो क्योंकि आप एक अलग लाइन है फिल्म एक अलग लाइन है जी। तो वहां से बस ये धीरे धीरे मेहनत करते करते फिर कॉमिक्स शुरू हो गए
तो पिटारा कामेश, मैंने राज कामेश, मनोज कामेश, बहुत दुनिया का कोई कामेश नहीं छोड़ा, तो 22,000 किताबें मैंने लिस्टेड की। वो आज लगता है 22,000 इज टू मच, पर तब तो रोटी रोटी करना ही करना था सब कुछ रिकॉर्ड। वो करते करते सर मैं अक्सर सोचता हूँ कि अक्सर में ना ऊपर वाला आपका पूरा बायोडाटा और आपका पूरा पाथ जो है वो लिख कर ही भेजता है। जी, जी। हम अगर हम उसका शुक्राना अदा कर दे, अगर हम उस पे फेथ कर ले, अगर हम उस पे थोड़ा सा भरोसा कर ले, तो वो हमारा रूट बहुत बढ़िया चलता है। और अगर हम अपनी अकेला लड़ाना शुरू कर दे तो फिर अक्सर बंद हो जाता है, फिर हम कहीं और चले जाते हैं और ईश्वर का रूट कोई और होता है। तो अक्सर उन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, वरना मुंह से गरीब करोड़ पड़े। तो मेरे जैसे बहुत है, मैं तो किसी काबिल ही नहीं था, मुझे ड्राइंग भी नहीं आती, पता नहीं लोग कैसे कहते हैं आप अच्छा बना। अरे सर, हमसे पूछिए ना सर। सच्चाई यही है सर कि आप अच्छा काम करो, नेक नीति से काम करो और अपना गोल रखो। आप एनिमेशन, कोयले से एनिमेशन की बात कर रहे थे हजूर, तो जब मेरे पास पहला एनिमेशन वो आया, काम आया, जो वो विद्या मंदिर प्रकाशन मेरठ के हुआ करते थे। जी जी, बहुत बड़ा नाम है विद्या मंदिर का, अगर आप यूपी की, अगर आप आरजी 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 कॉलेज के बराबर में ही उनका पब्लिकेशन है, पीएल पीएल शर्मा रोड पे सर, क्वेस्ट पे चली रोड पे, अब उनकी यूनिवर्सिटी भी बन गई है। जी, वो जी। मेरे पास कॉमिक बोल गया मैं, वो अपने पास स्कूल की किताबों में बनाने के लिए आए, एज इलस्ट्रेटर मेरे को ज्वाइन करने। तो उन्होंने मुझे एक टास्क दिया कि भैया 200 किताबें अगर तुम मेरे 3 महीने में बना दोगे, 200 किताबें 3 महीने, तो सिंगापुर घुमाऊंगा। सर 2000 सन की बात, सर सिंगापुर का लालची अपने आप में बहुत था, तो बस बंदा रात दिन लग गया। तो वो 200 किताबें हमने बनाई, बन गई ऊपर वाले की कृपा से, और उसमें हम वाकई हमें सिंगापुर 15 दिन पूरा घुमाया। उस जमाने में सर बहुत बड़ी बात होती थी कि जब मैं प्लेन में ही पहली बार बैठा। जी जी, तो वो उसके बाद वो आया कि एक एनिमेशन, तब कंप्यूटर नया नया आया था हिंदुस्तान के, बिल्कुल लोगों को ना भूख आती थी कंप्यूटर चलाएं कैसे, हार्ड डिस्क क्या होती है, लैपटॉप तो खैर बड़ी दूर की बात थी, डेस्कटॉप की बात हुआ करती थी। जी जी जी, तो हमें एनिमेशन में सीरीज चाहिए कि कंप्यूटर को एनी करेक्टर बताएं कि कैसे चलाएंगे, यहाँ जाइए, इसको दबाइए, वो मूवमेंट्स में चाहिए। बोले बना लोगे, मैंने कहा बना लूंगा जी। वो भाई साहब एक ऐसी हैंडसम रकम मेरे सामने रख के चले गए, और बाद में मेरे पूरे खानदान में किसी को ना मालूम एनिमेशन होता क्या। तो जब वो रख के चले गए, पर वही होता है ना, जब आप सर किसी काम को पकड़ लेते हैं जी, जी। करना शुरू कर देते हैं तो रास्ते भी खुलते जाते हैं। जी जी, तो जी, तब से मैंने अपना एक मोटो बना लिया कि वो काम जो मुझे आता है वो मैं जरूर करता हूं, और जो काम मुझे नहीं आता तो मैं डेफिनेटली करता ही करता। तो उससे क्या होता है कि आपको पूरा एक तजुर्बा आता है, आप समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। सर मैं कंप्यूटर भी सीखा, मैंने कहीं से शिक्षा नहीं ली, ना ड्राइंग के लिए, ना मैंने अपने कंप्यूटर के लिए, बस देखते 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 आप, ये दुनिया सिखाती है आपको। जी, जी। और आपको अगर आपकी मंजिल, आपकी सोच क्लियर होनी चाहिए। जी, जी। पाना है अगर मंजिल को तो अपनी सोच को बदलो, कश्तियां बदलने से कभी साहिल नहीं मिलता। साहिल मिलते, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। छोटा सा एक वो है कि इस तरह चलते 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 आप, फिर टीवी आया, एटीएन टीवी आया, टीवी के जरिए मैंने लिखना शुरू किया, फिर टीवी से एड फिल्म लिखी 800,000 के करीब, डायरेक्ट भी की कुछ, उसके बाद फिर मूवीज में गया, हॉलीवुड मिली मुझे संसारा, जी मुझे मिली ड्राइंग के तौर पे थी, एज ए पेंटिंग बनानी थी उसके अंदर। जी जी, तो मेरे पास फोन आया कि मैं आपको, उन्हीं दिनों की बात है ये भी, 2000 से पहले 99 की बात है, मेरे पास मानसून फिल्म वालों का फोन आया कि एक खास तरह की ड्राइंग्स हैं, क्या आप बना लोगे। उन्होंने मुझे मिलने के लिए दिल्ली ऑफिस में गए, तो मैं मिला, मैंने कहा बना लूंगा जी, मुझे समझ में आ गया, मेरे पास एक बक्सा हुआ करता था नीचे लाइट लगा के, तो मैं बना सकता। जी जी, तो उन्होंने बोला लद्दाख कल तैयार हो जाइए, कल लद्दाख जाना है। तब तक मुझे नहीं मालूम है कि वो फिल्म की बात हो रही है कुछ भी। जी, मैं तब मुझे लगता था लद्दाख शायद चाइना वाइना में कहीं होता है, मुझे नहीं पता लद्दाख कहाँ होता है उस जमाने में। तो मैं घर आया, मैंने कहा ना मैं उनको जानता ना पहचानता, पता नहीं स्मगलर हैं, डाकू हैं, कौन है ये लोग जो एक दिन में बिना मेरे कुछ देखे बोले लद्दाख चल रहे हो। तो मैं घर आया, तो लेकिन फिर मन ने कहा नहीं देखते हैं, चलते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट। जी, वो पेन ललिन साहब वहां डायरेक्टर थे, वो हॉलीवुड की बहुत 35 अवार्ड जीते हैं उस फिल्म ने, संसारा ने। जी
वो मेरे किस्मत में आ गई, मेरी छोली में आ गई। तो अपने आप में बड़ी बात थी कि मुझे हिंदी फिल्में तो बड़ी दूर, हॉलीवुड से शुरुआत हो गई। जी तो जी। फिर उसके बाद गर्ल टेल करी मैंने, के लिए एशियन टेल्स करी, हिंदी फिल्मों होगा तेरा बाप, इनके लिए प्रमोशन किए, एक रास्कल फिल्म थी, बड़े मियां छोटे मियां, बड़े मियां छोटे मियां, जी सर। कुछ कुछ हिस्से आपके ना किसी चीज में जुड़ते चले जाते हैं। ये नहीं होते कि आप फिल्म में एज ए हीरो ही हैं या एज ए राइटर ही हैं। कई बारी प्रमोशन में आपका काम होता है, कई बारी उसकी एनिमेशन के थोड़े से हिस्से में होता है, कई बारी पूरे फिल्म में आप होते हैं। तो बस वो करते 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 जो आपके सामने, बस यही एक छोटी सी कहानी है कि मेहनत सफलता हार्ड मेवर मसलर सॉ। सर ये आपकी मतलब आप कितने डाउन टू अर्थ हैं, आप इस लेवल पे हैं और आप कितने इजीली कह रहे हैं कि ये छोटी सी कहानी है। सर ये आप मॉडल हैं सबके लिए, मेरे लिए, हम जैसों के लिए आप मॉडल की तरह हैं। आपको देख के हम लोगों को ये लगता है कि नहीं, ऐसा इस तरीके का बनना है। आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं सर हमारे लिए, और ईश्वर से दुआ यही है कि आपको ईश्वर बहुत लंबी उम्र और बहुत सुखी जीवन दे। आप अभी भी दुनिया को हंसा रहे हैं। आप वो मेरे को आज वापस, मैं अपने बचपन में जी रहा हूँ, जब मैं कॉमिक के लिए 2 रुपए लेके जाया करता था, कई बार किराए पे भी लाके पढ़े हैं। इन बच्चों को कहाँ पता सर आज का कि किराए पे कॉमिक भी मिलते थे, और वो किराए पे हम उसे लेके पढ़ के फिर 2 घंटे बाद उसे वापस दे के आना होता था, अगले दिन वापस दे के आना होता था। वो अरे सर मैं भी किराए पे ही लेता था जब बनाता था तब भी, और जब मेरा कार्टून छप जा, सुन लीजिए एक चीट चलाकिया, चलाक भी होता मैं थोड़ा सा जी। जब वो मैगजीन, हमें इतने पैसे होते नहीं थे वो मैगजीन हम खरीद सके या कॉमिक, तो लोटपोट में कार्टून छपा तो मैं किराए पे लाता था, जिस पन्ने पे छपा था तो उस पन्ने में से पन्ना ही निकाल लेते थे अपने बार रिकॉर्ड रखने के लिए, लोटपोट वापस कर आते थे। उस समय तो ये समझ में नहीं आता था कि ये गलत है, ठीक है, पर वो लगता था अभी अब 2 रुपए, हालांकि सिर्फ 2 रुपए की मैगजीन होती थी, 1 रुपए 2 रुपए जी, 2 रुपए की, खर्चा भी तो 5 पैसे 10 पैसे होता था ना। हालांकि आज से 40 साल पहले अगर हम चले जाए तो बहुत कुछ चेंज हो जी, बहुत बदला है सर। सर एक चीज जो मैं पहले से काफी टाइम से सोचता आ रहा था, क्योंकि जब मैं बचपन में मोटू पतलू को देखता था, डॉक्टर झटका को देखता था, घसीटा राम को देखता था, इन सब को देखता था, मतलब मेरे दिमाग में एक चीज रहती थी कि मोटू पतलू मेरे लिए एक, उस टाइम पे मैं छोटा था, मेरे लिए वो एक जिंदा कैरेक्टर थे जो कि मैं एनिमेशन में उनको जी रहा होता था, मतलब उसमें कॉमिक्स में उनको जी रहा होता था। वो मोटू पतलू सही में कहीं थे, जिन्हें सोच के, जिन्हें देख के आपको आइडिया आया कि एक ये मोटा और एक ये पतला इंसान है, इनके ऊपर एक आपने फिर उसको एक कैरेक्टर को दिमाग में आया और आपने सोचा कि इनको मैं स्केच करूं, या आपके केवल अपने ही दिमाग? ये दरअसल क्या होता है कि जब आप इंडियन कल्चर पे, जैसे प्राण साहब ने चाचा चौधरी शुरू किया था, जी हाँ जी हाँ, देसी कैरेक्टर था बिल्कुल, जी हाँ, साबू शुरुआती दौर पे भारद्वाज साहब ने इन करेक्टर्स को अपना एक अलग रूप दिया था। वो आसपास जो आपके करता है, जब आप अपने आसपास देखते हैं तो मोटा और पतला ये एक ऐसी चीजें हैं जो आपकी फिजिक्स से जुड़ी हुई है, जिसमें आपको कहने की नाम नहीं है पर्टिकुलर। मेरे बाकी करेक्टर शेख चिल्ली, मिन्नी, आपका नटखट नीटू जो अभी एनिमेशन आते भी हैं, जिनके एक जूडो वाली भी तो थी ना सर, क्या थी वो, जूडो क्वीन राधा सबसे सुपर हिट कॉमिक्स था वो मेरा, उसकी सीरीज 25 कॉमिक्स पूरे आए थे और वो बहुत बहुत पॉपुलर था। उसमें गुरदास मान जी का हम पेज भी देते थे, क्वेश्चन आंसर लोग भेजे, मान साहब उसमें आंसर देते थे जी। तो वो था, तो वो चीजें सर आसपास से मिलती हैं आपको, क्योंकि आपको ऑब्जर्व करते हैं, आप आसपास होते हैं। मेरे अंदर ही कोई मोटू हो सकता है, आपके अंदर ही कोई पतलू हो सकता है, कोई तो वो, तो इसीलिए आप जेल कर पाते हो, क्योंकि आपको लगता है अरे यार ऐसा बंदा ना मेरे मोहल्ले में भी रहता है जो ऐसे बोलता है, जो ऐसे बात करता है जी हां। तो वो, और ये इस करेक्टर्स की खासियत यही है कि इसको जब दादा लोगों ने भी देखा, उनके बच्चों ने भी देखा, उनकी 3 पीढ़ी भी देख रही है, और शायद इंशाल्लाह आने वाली पीढ़ी भी देखेगी। वो बिल्कुल बिल्कुल कामयाबी का उसका रीजन हमें नहीं मालूम क्या है, हमने तो कुछ नहीं किया, वो करने वाला ऊपर है, बट उसका जो मुझे लगता है नेट शेल में एक लाइन में अगर बोलूं तो वो एक ऐसा करेक्टर है जो कहीं वल्गर नहीं है, कहीं हिंसा नहीं है,
इनोसेंस, बड़े प्यारी सी बात को प्यारे से मोरल ढंग से आपके सामने कह जाते हैं बस। जी, चाहे वो मैगजीन लोटपोट हो, एज ए कार्टूनिस्ट हो, या एनिमेशन वर्जन हो जिसमें माया और अपना केतन मेहता की पूरी टीम भी लगी हुई है उनके साथ जो उसको एनिमेटेड करते हैं, सबका हाथ होता है, सिर्फ मेरा नहीं है ये करेक्टर। बेशक वो करेक्टर को बनाने में मैंने 40 साल लगाए, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ बहुत से अच्छे लोग जुड़ते हैं, बहुत जो जी, तो उनका भी इनपुट होता है, तो सारा एक टीम वर्क होता है, तो ये सबका श्रेय सबको जाता है। मैं तो शुरू से मैंने तो चलो जो किया सो किया, लेकिन सही जो नहीं किया है, जो और सबसे बड़ा श्रेय बच्चों को है जो उसको पसंद करते हैं। जी, पिछले 4 साल से किड्स चॉइस अवार्ड हमें मिल रहा है, अगर आपने नोट किया हो। शाहरुख खान सर ने दिया था, फिर आपके बहुत सारे फिल्म स्टार बारी बारी हर साल वहां मुंबई में, ये इस साल नहीं हुआ कोरोना की वजह से। जी जी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप एस्टेब्लिश बाहर के करेक्टर जो डिज्ने और उनको पछाड़ के जब आपने लोकल करेक्टर नंबर 1 पे आ, बिल्कुल ये बहुत बहुत आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की मोहब्बत है सर। अगर हम जी अगर एक कैरेक्टर को देखें तो बहुत कैरेक्टर्स आए चले और खत्म हो गए, बहुत सारे कॉमिक्स आए चले और फिर बंद हो गए, अपने आप एक बार पीक पे थे और आज की तारीख में कहीं कोई कॉमिक नहीं है, उसका जिक्र भी नहीं है। अगर हम इवन इंद्रजाल को ही लें तो आज भी इंद्रजाल के बारे में कोई जिक्र नहीं है। मार्वल जी, मार्वल सीरीज की अगर हम एनिमेशन को भी देखें, कि डिज्नी की एनिमेशन को देखें, मार्वल की एनिमेशन को देखें, मतलब उनको भी आखिर में आके अपने कैरेक्टर्स को कुछ को मारना पड़ा, उनको एंड गेम बनानी पड़ी, तब जाके वो फिर उनको, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक कैरेक्टर को जीवित रखना उसको बहुत मुश्किल काम है। आपको उसको इतना इनोवेशन उसमें चाहिए कि हर बार वो नया कुछ दे जाए, आप बोर हो ना हो जाए। आपने बोरियत आने की बात छोड़ी है, मैं आज भी अगर मुझे मिल जाती है तो मैं लोटपोट एक बार देख जरूर ले, जल्दी जल्दी आती है सर, आती है, मैं भिजवाता हूं आपको, आप मुझे एड्रेस दीजिए। नहीं, मैं अभी भी जब मैं जहां पर भी मेरे को बच्चे के हाथ में मिल जाती है ना सर लोटपोट, मैं देख लेता हूँ उसको जल्दी जल्दी करके, हाँ 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 पढ़ ली, उसके बाद में उसको वापस कर दी, लो इसे चोरी कहेंगे या कुछ भी कहो, मैंने उस बच्चे से छीन के पढ़ी है चाहे, लेकिन वो आज भी है उसमें बोरियत आपने आने नहीं दी सर। कितनी मेहनत इसमें लगती है अगर आपके बारे में सोचें, आपसे आपकी तरफ से सोचें, क्योंकि अभी इसके अंदर इसी क्वेश्चन में सर मैं जो बेसिक मेन थीम है वो ये है सर, आदमी जब बच्चा होता है, जब आपने शुरू किया था तब आप बच्चे थे, तब आपका दिमाग उस तरीके से चल रहा, अभी आप धीरे धीरे करके मैच्योर हो गए, मैच्योरिटी आने पे उस बच्चे को जीना, उस बच्चे को जीना जो कि उस तरीके से सोच रहा है, और एक तरफ आपकी फैमिली जिसके साथ में आप एक मैच्योर फादर हैं, हस्बैंड हैं, फादर हैं, तो वहां पे उस लाइफ को जीना बड़ा अलग सा काम लगता है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल बचपन में और बिल्कुल आप अपनी एज पे आ चुके हैं जिसको मैच्योर लेवल बोलेंगे, तो एक बहुत डिफरेंस इसमें। दूसरा चीज जो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे एक और इन्वॉल्व कर रहा हूं सर, काफी लंबा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेकिन आप उसकी थीम को एक्चुअल में बताना चाह रहा हूं सर, हम अगर अपनी आज की लाइफ को देखें, ये जो आपका काम है, आपका ऐसा इनोवेटिव काम है, इसमें मुझे ये लगता है कि बिल्कुल आप एक अलग बैठे हो, तब आपके ब्रेन में कुछ नई नई चीजें आएंगी कि इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये बोला, फिर इसका जवाब ये। और हमारा जीवन जो है आज वो इतनी बुरी तरह पैक्ड है, परेशानियां इस तरीके से दरवाजा खटखटा रही हैं कि हमें लगता है कि इन्हीं से ही जूझना बहुत भारी काम हो जाता है। आप कैसे उससे निकल पाते हैं या आप कैसे उसे कर पा रहे हैं सर? बहुत सिंपल सा फंडा है जी, जिंदगी अगर आपको जीनी है ना सर, आपको नंबर 1 रोमांटिक होना पड़ेगा। रोमांस से मेरा मतलब इश्क से है, रूहानी इश्क से है जी। रोमांस से मतलब मेरा है कि आपको अपने काम से इश्क करना पड़ेगा, आपको अपने परिवार से इश्क करना पड़ेगा, अपने दोस्तों से और अपनी हर उस विद्या या उस कलाकारी से इश्क करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है इश्क की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना आसान नहीं है ये। तो आप जब अपने काम को जीने लगते हैं ना, आपका जो क्या बोलते हैं पैशंस होता है वो प्रोफेशन जब बन जाता है,
तो ये बहुत कम लोगों के साथ क्लिक करती है जी। अपना बचपन कभी मरने नहीं, आज भी बच्चा हूं मैं, मेरी उम्र 55 है पर मैं पूरा बचपन है मेरे अंदर, बिल्कुल फिट बैठता है आज के लिए। जी जी, क्योंकि अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखो, अपने हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव रहो। मेरा जिंदगी पॉजिटिव सीरीज अगर आपने यूट्यूब पे या ओशो चैनल पे देखे होंगे तो वो उसका मकसद ही यही है, जिंदा रहो यार। देखो सर, बड़ी छोटी सी बात है, होना वही है जो होना होता है जी। आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, आप अच्छे काम कर सकते हैं, आप अच्छा सोच सकते हैं। नुकसान कहाँ होता है, जो आप अपने आसपास ही आज का जो वातावरण बता रहे हैं वो नेगेटिविटी का रीजन है। हम सब लोग असल में कंफ्यूज हैं कि हमें यही नहीं पता हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है, हमें पाना क्या है। सो हम एक अजीब से बहुत सारे जैसे रस्ते होते हैं ना, भागम भाग है, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। जी जी, टारगेट है ही नहीं। एक मंजिल बनाओ, ठहरो। आपका हर काम सहज पकता है, समय लगता है। एक बात हमेशा याद रखिए, ये जिंदगी ना लॉन्ग ड्राइव है, शॉर्टकट नहीं है इसमें। शॉर्टकट से हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, पहुंच जाते हैं कई बार, लेकिन फिर टिकते भी उतना सही है क्षणिक भर। जी, अब अगर लंबे रास्ते से चलते हैं तो आपके रास्ते की दुश्वारियां आपको मालूम पड़ती हैं, आपको स्पीड ब्रेकर मालूम पड़ते हैं, आपको हालात और मौसम के से जूझना पड़ता है। तो जब आप पक के पूरी तरह परफेक्ट होके पहुंचते हैं ना हिमालय पर्वत की चोटी पे, तो आपको एहसास होता है कि यस, अब सोना नहीं है, मुझे खड़े रहना है यहाँ। जी 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 जी, तो ये मैं शिक्षा इस वजह से, बचपन रहो, बच्चे रहो, हमेशा बच्चे बने रहो, प्यार करो हर चीज से, नेगेटिव मत सोचो, कमियां मत सोचो कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं। अरे यार, किसने क्या किया छोड़ो ना, आपने क्या किया वो बताओ मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल ये होता, उसने ये किया, उस जमाने में ये होता था। अरे होता होगा भाई, आज को जियो, आपका आज ही आपका कल बनता है जो कल बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो बीत गया उस कल की नेगेटिविटी में इतने उलझे रहते हैं कि अपना आज स्पॉइल करते हैं, और जो आज स्पॉइल होता है तो कल तो बर्बाद होने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही बात है। सच्चे रहो, ईमानदार रहो, सच बोलो। अगर आप सच बोलते हो सर, 90% तो आपका माइंड वैसे खाली हो जाता है, क्योंकि तो आपको मैनिपुलेट ही नहीं करना पड़ता किससे क्या बोला। बिल्कुल जी, सच बोलने में कोई घाटा नहीं होता, ईमानदारी की रोटी में वो बरकत होती है हजूर। हो सकता है सूखी खाओगे लेकिन सेहत को लगेगी। मैं जीता आपके सामने एग्जाम्पल बैठ। जी जी, आप अपने मुर्शिद को, जिस गुरु को मानते हो, क्योंकि आपकी जिंदगी बिना गुरु के सर दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। जी, बचपन में अगर माँ बाप गुरु होते हैं, फिर स्कूल में टीचर गुरु होते हैं, और ये इस हालात में आके मुर्शिद जो आपका सदगुरु होता है, जिसको भी आप मानते हो एनी हाउ, लेकिन वो अगर नहीं है आपके सर पे, पिता नहीं है आपके सर पे, तो इस आग में जलोगे। आजकल तो आग तो हर तरफ है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी नीड है सर एक दो रोटी, एक दाल, कुर्ता पजामा, और हमें लेके चलते हैं 2 लाख का फोन जी, 4 लाख का लैपटॉप जी, ये जी। क्या बोलते हैं, डेनिस की टी शर्टें, जैकेट, ये खर्चे, और 5 करोड़ की गाड़ी। तो जैसे जब इसमें उलझेंगे हजूर, ये नहीं है ये बुरा है, ये ले लो, ये होता है, आपके पास पैसे हैं आप लोग, लेकिन आपकी अपने पैसे होना चाहिए ना। कर्जा लेके जब भी आप किसी से कुछ भी लोगे हजूर, आपकी रात की नींद, आपका दिन का चैन सब जाए, सब जाएगा। खुश होने का जो आपका जो क्वेश्चन था, उसका नेट शैल उत्तर है कि मजा तभी आएगा जब निश्चिंत होगे, सुकून से सो गया जी। और सुकून सच्चाई में है, आपकी गरीबी में है। गरीबी का मतलब तंग हाली नहीं, गरीबी का मतलब आप एक लिमिट में रहो, मस्त रहो, दाल रोटी खाओ मस्त, और शुक्र अदा करो उसका। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी सुना सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, प्लीज प्लीज सर। शुक्र, आप समझते हैं शुक्राना अदा करना अपने मुर्शिद का, अपने का। एक राजा था हजूर, एक बहुत बड़ी रियासत का राजा था। उसके पास हजारों नौकर चाकर, मतलब क्या बोलते हैं, खजाने और बहुत सारा कुछ था। हमेशा आसपास एक आवाज देता था, हर चीज उसको मिल जाती थी। एक रात की बात, उसको बहुत जोर से प्यास लगी। उसने आवाज मारी, कोई है मुझे पानी दीजिए। संयोग की बात है, कोई आसपास नहीं था। उसने फिर आवाज मारी, 2-3 बार मारी, लेकिन नहीं सुना, कोई था नहीं। तो उठा, प्यास उससे बर्दाश्त नहीं।
आसपास देखा, कभी काम किया नहीं था, पिया नहीं था, हम हाजिर हो जाती थी ना चीज बाहर सॉरी सर जी जी बाहर निकला महल के बाहर एक कुआं था जी, तो देखता एक बाल्टी पड़ी है, एक रस्सी पड़ी है, तो उसने सोचा प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही, कोई दिख भी नहीं रहा, तो उसने वो बाल्टी उसमें गिराई और रस्सी से पानी खींचने की कोशिश जी। कभी काम किया नहीं था तो रस्सी तेजी से खींची तो बाल्टी आके उसके मुंह पे लगी और उसका खून निकलने लगा जी। दोनों घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़ के ऊपर वाले से कहता है, हे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ध्यान से सुनिएगा अंत है ये लाइन। एक वहां से राहगीर गुजर रहा था, उसने बोला, राजा तुमने रस्सी खींची तेरे मुंह पे लगा, बजाय गुस्सा करने के तू शुक्राना अदा कर रहा है जी। जवाब था उसका कि जिस आदमी को एक गिलास एक बाल्टी पानी खींचने की अक्ल नहीं है उसको उसने इतने बड़े रियासत का राजा बना दिया है, मैं उसका शुक्राना फिर भी अदा नहीं। सही में बहुत 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 हार्ट टचिंग स्टोरी थी सर, बहुत सच में। सर इसी इन्हीं स्टोरी को सुन के सर शायद जहां तक मुझे याद पड़ता है कि एक सेलिब्रिटी जिसने आपको ये लिखा था कि मैं आज सुसाइड करने के लिए जा रही थी और मैंने आज सुसाइड आपकी स्टोरी सुन के आपकी उन लाइव पे फेसबुक लाइव को सुनने के बाद में उसने सुसाइड नहीं किया था जी, तो सर कैसे अच्छी बात है जी। बिल्कुल जिंदगी पॉजिटिव की शुरुआत ही वहीं से हुई थी सीरीज की उसको वो नाम तो नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, वो अभी भी बड़ी अच्छी पोजीशन पे है और नई नई बढ़िया बढ़िया फिल्में कर रही है, करने दो उन बेचारी को। तो वो उस समय होता है जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सबके आते हैं, हमारी भी आते हैं। तो बाई चांस उसने वो लाइव देखा तो उसमें उसको जो उसके क्वेश्चन थे उसमें से उसने बोला, मुझे उसके बाद फोन आता है कि मुझे 10 में से मान लीजिए 5 क्वेश्चन के आंसर मिल गया, एग्जांपल की बात जी, जी। मुझे लगता है कि नहीं मरना नहीं है, हमें जीना है। तो तब मैंने सोचा यार अगर एक जरा सी बात, मैं तो कोई है ही नहीं कि किसी की जिंदगी की तरफ मुड़ गया, अगर ये बातें मैं रेगुलर इसको सीरीज बना दूं जी। हो सकता है किसी बंदे का कहां कौन सा सवाल या जवाब उसको मिल जाए, उसकी जिंदगी बन जाए या उसका रूट बदल जाए अपने जीने का। बिल्कुल ये नेक सेवा होगी है उन लोगों की, वो वरना तो हम लोग किस काबिल हैं किसी की सेवा करें, शायद इसी बहाने सेवा हो जी। सर आपने कुछ ऐसे इनोवेशन भी किए जो कि शायद इंडस्ट्री में बहुत कम हिम्मत करते हैं और इतना इतनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं। कुछ चीजें हैं अगर उसको ध्यान से देखें, आपका एक ब्लैक मिरर आपने बनाई थी, डार्क मिरर। तो डार्क मिरर जो आपने बनाई थी उसके पीछे अगर उसको देखें, तो मैंने उसको दो बार देखा, एक बार देखने के बाद में, पहली बार में तो मुझे आई वॉज जस्ट स्टन कि मेरे को ये मैंने क्या देखा, क्या ये सच्चाई है। फिर मैंने उसको दोबारा देखा शुरुआत से, तो सर वो एक तरीके से इंडस्ट्री की सच्चाई दिखा रहे थे मेरे को, जो लगा जी, इंडस्ट्री में इस तरह मिसयूज होता है। तो सर आपको उन बच्चों के लिए जो कि इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से इतना ज्यादा फैसिनेटेड है, और ऐसे बहुत सारे गिद्ध वल्चर्स वहां पे बाहर बैठे हुए भी हैं जो कि इंडस्ट्री के बाहर बैठे हुए हैं और वो अपने आप को बताएंगे कि हम बहुत बड़े ये हैं और हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, और इन ऑल जो है वो बेसिकली उन बच्चियों को और उनको इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। उन बच्चों को सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है कि इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए जाने से? बिल्कुल ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी के बच्चे, किसी की बेटी हमारी बेटी से अलग हो नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी में मेरी वो जो वुमेन पावर ऑफ इंडिया सीरीज अभी इससे पॉपकॉर्न फ्लिक्स पे भी चल रही है, अगर आप देखेंगे तो आपको इन्हीं सवालों में, इस पे मैंने शुरू किया था, सॉरी मैंने शुरू किया था वे टू बॉलीवुड जी जी जी, एक सीरीज थी हमने ऑस्ट्रेलिया में भी की, बाहर बहुत सारे देशों में, आपके बैंकॉक में भी की, सिंगापुर दुबई भी की, वो यही था, वर्कशॉप होती है वो, अभी भी मैं करता हूँ जो आपका ये क्वेश्चन है जी। देखो अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं सर, फिल्म इंडस्ट्री कोई अपवाद नहीं है, आपके ऑफिस में भी ऐसा होता है, स्कूलों में भी होता है, हवाई जहाजों में भी दिखता है जी जी। इंसान की फितरत किसी भी पोजीशन पे हो उसकी फितरत उसकी अपनी होती है जी,
जी मैं यही शिक्षा देता हूँ इन बच्चों को, आप जाओ, फिल्म लाइन कोई बुरी नहीं है, दुनिया में कोई लाइन बुरी नहीं होती जी, लेकिन जी परिपक्व होके जाओ, पूरे तैयार होके जाओ, किसी लालचवश में जाओ, रीढ़ की हड्डी मजबूत करके जाओ जी। अभी बहुत सारे बच्चे अभी आते हैं, अभी पिछले दिनों भी आए, तो मैंने यही कहा अगर आप बॉम्बे में जाना चाहते हैं या मुंबई में या कहीं भी किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो एक जॉब ढूंढिए पहले वहां जाके जी। आप जॉब ढूंढेंगे तो आपको इनकम आएगी, आपका आराम से इतना सफर शुरू होगा, बीच बीच में आप अपने ऑडिशंस दीजिए, आप कहीं भी जाए वो चलो चलता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप अपने माँ बाप के पैसे से आए हैं या किसी और तरीके से फिर पैसा कमाना शुरू करते हैं, जहां फंसते चले जाते हैं जी, जी। तो हमेशा याद रखिए दो तीन चीजें, एक पॉइंट होता है जो बच्चे देख रहे हैं या देखना चाहते हैं कि सामने वाला अगर आपको वो चीज बता रहा है जो वो खुद नजर नहीं आ रहा उसके लायक जी, तो समझो वहां हमेशा हमेशा फ्रॉड होगा जी, क्योंकि आपको इतना तो दिख जाना चाहिए कि जो आदमी शाहरुख खान का दायां हाथ अपने आप को बता सकता है, जो आप अपने आप को धर्मेंद्र का या माधुरी दीक्षित का सेक्रेटरी बता रहा है, तो उसकी हालत टूटी चप्पल वाली तो हो नहीं सकती कम से। जी है, जी है। और वो आपको हमेशा ये याद रखिए जो अच्छे वाला होगा, पहली बात वो सड़कों पे मिलने नहीं बुलाएगा, अकेले में मिलने नहीं बुलाएगा, ऑफिस में बुलाएगा, आपको चाय पानी प्रॉपर वो आपको देगा, ना कि वो आपके जेब से 5 स्टार में जाके खाने की कोशिश करे। ये कुछ छोटे छोटे हिंट बता रहा हूँ, बाकी वर्कशॉप में हम खुल के इस पे बात करते हैं जी। जो आदमी खुद आपके ऊपर आपको ये बोले कि भाई यहाँ फिल्म है, आपको मिलेगा 20 लाख रुपया, लगेगा 10 लाख, तो सजिए ना वो आपको बेवकूफ बना रहा है। हम फिल्म में काम करने जाते हैं पैसे कमाने के लिए जाते हैं, देने थोड़ा ना जाते हैं किसी भी चीज। जी कोई आपको ये बोलता है आपको ये अवार्ड मिलेगा जी, आप 50,000 रुपए दे दो, 1 लाख दे दो, यार ये कोई क्या अवार्ड हुआ जी, इस अवार्ड करना क्या है आप लोगों ने, क्या फायदा मेरे को। कई बार मैं जाता हूं तो उसमें कोई नए नए जो ग्रहणियां हैं जिन्हों बहुत शौक होता है, जो पेज 3 पे चमकती दमकती है कि मैंने 250-500 अवार्ड जीते हैं, सर आप क्या चीज हो, बड़ी हैरानी होती है। 500-700 अवार्ड यार कहना बड़ा आसान है, तो अगर आपको एक महीने में एक भी मिला हो तो मेरे हाल 20 साल निकल जाते हैं उसमें। आपको ऐसे नहीं अवार्ड, आपने काम क्या किया, काम नहीं दिखता जी, जी जी आप काम करो आपको अवार्ड मिलेंगे, लेकिन अगर आप अवार्ड के लिए काम करोगे सर तो फिर वो काम काम ही नहीं रह जाता जी। जी ये नई पीढ़ी को समझना चाहिए, बड़ा लंबा रूट है, 5-10 साल लगते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अच्छे लोग हैं, 99.9 अच्छे लोग हैं, पर वो जो 1% है वो अगर आपको टकर गया और आप उनके संगत में पड़ गए तो फिर वो नुकसान आपका होने वाला है। हमेशा करो मरो की स्थिति में मत जाओ, आप जाओ 6 महीने साल का एक टारगेट बनाओ कि अगर मुझे काम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने घर चलता हूँ ना 1.5 साल, ओके कोई फर्क नहीं जी। लेकिन होता ये नहीं है, होता ये है वो आप अपनी ईगो आपकी आ जाती है, आपका नाक का सवाल आ जाता है या गिल्ट आ जाता है, तो फिर आप या तो सुसाइड कर लेते हैं जी, तो आप वापस बहुत लंबी लंबी बातें छोड़ के आए होते हैं अपने गांव में अपने शहर में, आपकी इज्जत आप वापस जाना नहीं, फिर आप गलत धंधों में पड़ते हैं क्योंकि पैसा चाहिए ऐसे शहरों में पड़े रहने के, वहां आप डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सैक्रिफाइस कंप्रोमाइज कोई जरूरत होती नहीं है, अरे यार कोई दुनिया में आदमी अगर आपको काम आपकी काबिलियत पे नहीं दे सकता तो आपके शरीर पे भी नहीं दे सकता। बिल्कुल 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 मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं वो बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ अपने काम पे भरोसा रखिए। अगर और आपकी अगर यहाँ माथे में लिखा है कि आपको ये बनना है तो सर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बिल्कुल 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 वो थोड़ा भरोसा रखिए, तभी मैंने शुरू में कहा ना मुर्शिद आपका गुरु आपका जो ईश्वर है आपके साथ होना चाहिए, वो भरोसा आपको ना हर जगह पे गिरने नहीं देता है, टूटने नहीं देता है जी। इश्क जबीबा पैणा वे दिल दो पासे नहीं रहना वे, या दुनिया दे या दिलवर दे गल इक दे लगना पैणा वे, घर है मंजूर ते कर सौदा पर सौदा महंगा पैणा वे, तू अपना रुतबा तकना वे उन्हें शरे बाजार च। बहुत 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 सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। मैं आज अपने श्रोताओं को ऑनलाइन सब लोगों को सबके सामने मुझे कहते हुए शायद ये गर्व हो रहा है कि मैं आज तक मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया सर, क्योंकि मेरे को लगा नहीं कि कोई गुरु बनने लायक है, मतलब मैं नहीं मानता था क्योंकि मुझे लगता था कहीं ना कहीं है तो इंसान, मैं गुरु नहीं। सर आज मैं पब्लिकली साफ 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 गोई से कह रहा हूँ कि मैं आपको गुरु मनाने की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको अपना गुरु माना, और शायद वो बचपन से
आपका आपका फैन रहा हूँ, तो शायद कहीं तो गुरु मान तभी लिया था, लेकिन आज मैं एडमिट कर रहा हूँ, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ ये बात, और आप सही मायने में एक ऐसे इंसान है जिसको जिसके सही में फॉलोवर्स आपके बनते हुए मेरे को सर अब मैं ऑब्लाइज्ड फील करूंगा अगर आप मेरे को ऐसे डिसाइपल अपनाएंगे। मैं पब्लिकली सर सारी दुनिया के सामने बोल रहा हूँ ये बात। नहीं सर नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। हर इंसान के अंदर देखिए जो ईश्वर है ना सर, वो हर इंसान में बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अंदर जो धुन है, जो ईश्वर की जो आवाज है, वो सब में बराबर है। जी जी, सिर्फ प्रॉब्लम हमारे सुनने में है, हमारे समझ में। हम बाहर खोजते हैं। अब देखो वो दिखता है बंद आंखों से, हम देखते हैं खुली आंखों से, खुली आंखों से। वो सुनाई देता है बंद कानों से, हम सुनते हैं खुले कानों से, तो नहीं देखते। जी, दिसदा है कोई शक नहीं, साड़ी वेखण वाली अख नहीं, उदे यार निराले ने पत्थरां चो लभ लैंदे जिहड़े अखियां वाले। वेरी नाइस। अंदर तेरे ढेर मैल दा तोता मूल ना जावे, गंदी थां तोता भी नहीं बहिंदा, तेरा रब किस तरह आवे। हमारा बर्तन ही गंदा है ना। बहुत बहुत बहुत, अंदर है, सब आपके अंदर है। आपकी काबिलियत, आपकी ताकत सर, आप इतना अच्छे, जो मैंने सुबह आपसे कहा था आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है। सर, उसने हर एक को एक एक गुण दिया है, एक कईयों को 10 दिए, किसी को 100 दिए, किसी को एक दिया, दिया सबको है। जी जी, भूखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गृह नहींथे पे कंगाल, सबकी गठड़ी में लाल है, हम गांठ खोलना नहीं, गांठ अंदर है। बेहतरीन सर, बेहतरीन बेहतरीन सर, बेहतरीन। कहीं नहीं जाना सर आपको, आपको किसी मंदिर मस्जिद उसमें जाने की जरूरत नहीं है कि वहां भगवान है। दैट इज द स्कूल, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इज द स्कूल, कि जहां आपको समझाया जाता है कि ईश्वर कैसे पाना है, क्यों पाना है। लेकिन आप करना तो अपने घर में ही बैठ के होगा, अपने अंदर ही बैठ। बिल्कुल 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 सही बात, बिल्कुल सही बात सर। वो आपको ढूंढना आपको अपने अंदर है, चीज आपके घर में घुमी आप सड़क पे ढूंढोगे कहाँ मिलेगी। जी 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 सर, जी सर, सर यही अभी अगर हम बात करें हॉलीवुड में स्टैनली जी और बॉलीवुड के आप बराबरी पे हैं, शायद उनसे ज्यादा है, उनसे ज्यादा आपने आपने किया है आपने। सर देखिए वहां पे जो मुझे लगता है सर, देखिए मैं बहुत स्पष्ट बोलने वालों में हूं, हॉलीवुड के अंदर एनिमेशन काफी टाइम्स पहले से शुरू हो चुका था। अगर हम देखें उनका डोनाल्ड डक वाला जो सीन रहता था, और मिकी एंड डोनाल्ड डक और ये सब उनका जी डिज्नी वाला, वो काफी टाइम से था। स्टैनले उस टाइम पे तब आ गए थे। बेसिकली जो अगर हम देखें लोगों को जो पसंद आता है, जैसे उनका उनका जो कैरेक्टर, जो उनका एनिमेशन था, जो उनके कार्टून वो थे बनाने का तरीका, तो स्टैनली ने दिया जी। उसको टीवी पे लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स। अभी अगर हम बॉलीवुड को देखें या अपनी इंडियन इंडस्ट्री को देखें, तो आज भी हमारा एनिमेशन उस मार्क पे नहीं है जिस मार्क में उन लोगों का है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात है, जो कि मैं इसलिए पहले आपसे कहा कि मैं स्पष्ट गोई से बोल रहा हूं ये बात। बहुत नहीं, बहुत बढ़िया बात है। आपने सर उस जगह पे जहां पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, केवल आप अकेले आपने अपने कैरेक्टर को उनके बराबर पॉपुलैरिटी दे दी, तो सर आप उनसे बराबर ऊंचे नहीं कहेंगे तो बराबरी पे तो है ही सर, हमारे को तो यही लगता है। सर आपको क्या लगता है इंडियन इंडस्ट्री के अंदर जो ये अभी तक एनिमेशन का या इन सब का, आपको लगता नहीं है सर कि अभी और अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है हमें? इसमें इसमें दो पक्ष हैं सर। जो जी जो टीवी पे आता है एनिमेशन जी जी, उसकी सर असल में हम लोग सिर्फ वो उसका वो देखते हैं जो आउटपुट हमें दिखाई देता है। जी जी, इनपुट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टाइम्स की प्रॉब्लम है, फंड की प्रॉब्लम है, ये हॉलीवुड के मुकाबले तो बहुत कम है। पहली बात तो जितने में हॉलीवुड की फिल्म बनती है उतने में हमारे साल का सीरियल बन जाता है, जी, हमारा जी। लेकिन एनिमेशन इंडिया अभी भी आगे है, बहुत बहुत बढ़िया करता है, लेकिन वो कमर्शियल वे में यूज होता है जी। उनके बहुत सारे जो सीरियल्स हैं वो यहीं बन रहे हैं अभी एनिमेटेड, बहुत सारे, मतलब आपको तो बैटमैन ये भी यहाँ पे उनके रेंडर हमारे इंडिया वाले आर्टिस्ट बना रहे हैं, बहुत आर्टिस्ट बना रहे हैं।
ओके। लेकिन वो उस बजट के हिसाब से बनते हैं जो हम लोग आपको जो देते हैं, शेख चिल्ली, मोटू पतलू, वो एक मजबूरियां हैं एपिसोड निकालने की। हर चीज में ना टेक्निकली बहुत चैनल्स हैं, बहुत कुछ हमारे साथ बंधा भी होता है। तो ये सोचिए ना सर, इसको अगर हम इसको अच्छेपन में सोचें, इतनी कम कमियां भी अगर हमारे में है, उसके बावजूद हम अपने कंटेंट और अपने करेक्टर और अपनी ईमानदारी की वजह से अपनी प्रसिद्धि को वहां तक चल ले गए जी, और ये सारा श्रेय आपको माया को जाता है, ये केतन मेहता का पूरी टीम को जाता है, जितने भी वहां लोग हैं वो उन लोगों ने इस पे बहुत जान लड़ाई है जी, बहुत जी, बढ़िया टीम है उनकी, 2,500 लोगों का एक स्टाफ आपके फिल्म सिटी के अंदर, इसके अलावा आउटपुट पे भी है, तो ये उनको श्रेय जाता है। और श्रेय उससे बड़ा श्रेय अमन बजाज और आपके प्रमोद बजाज जी को जाता है, जिन्होंने आज तक लोटपुर को बंद नहीं होने दिया जी जी, नंदन बंद हो गई, बाल भारती, चंपक, सारी मैगजीन्स बंद हो गई, मधुमुस्कान भी बंद हो चुकी, सैल्यूट मधुमुस्कान भी बंद हो चुकी बहुत पहले जी, जी। सैल्यूट है इन दो शख्सों को सर, मतलब प्रमोद बजाज जी और अमन बजाज, जिन्होंने अपने बेशक घर से कई बार पैसा डाल के भी इस मैगजीन की आत्मा को खत्म नहीं होने दिया, यानी कि प्रिंट मीडिया को मरने नहीं दिया। तो ये मेरा सैल्यूट है लोगों को, इन्हीं की वजह से हम जैसे लोग आपके सामने, अगर इन्होंने अपनी मुफलिसी या कम सेल की वजह से बंद कर दी होती तो शायद हम यहाँ नहीं होते जी जी जी। और आज मैडम तुसाद में एकमात्र मोटू पतलू के करेक्टर लगे हैं मैडम तुसाद में, वर्ल्ड में डिज्नी के भी नहीं लगे, ये बहुत बड़ी उसकी रहमत है हमारे ऊपर जी जी। तभी तो सर मैं बोल रहा था आपसे कि आप स्टैनली के बराबर, मैंने बोला तो मुझे लगा कि मैंने आपको कम तो नहीं बोल दिया कि आप स्टैनली नहीं, 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 वो लोग बहान है, मैं शायद इस लायक नहीं हूँ हजूर, मैं नहीं नहीं जमीन पे रहना चाहता हूँ, बस मेरा ये काम है, काम करते चलो, लोग उसको सराहेंगे, अच्छा होगा, सराहेंगे और दुआएं देंगे सर। बड़ी छोटी सी बात कहता हूँ, आज आपके बैंक में हो सकता है करोड़ों हो, लाखों हो, मेरे हो नहीं हो, लेकिन दुआओं के बैंक आज सबके खाली हैं, क्योंकि ना बच्चे आजकल के पैरों को हाथ लगाते हैं, ना बड़ों के हाथ से जीते रहो का आशीर्वाद निकल रहा है, तो वो बच्चे बहुत इस चीज से महरूम हैं। अपने बच्चों को अपने संस्कारों की शिक्षा देना ही मोटू पतलू में भी हम सिखाते हैं, और नेचुरल भी जब मैं वर्कशॉप बच्चों की करता हूँ तो कहता हूँ कि बड़ों को इज्जत दो, बहुत कुछ दे जाते हैं। एक वाक्या बताता हूँ, गुरदास मान जी को जानते हैं अगर आप जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार वो मेरे घर आए, यहीं जहां मैं अभी बैठा हूँ, इसी ऑफिस की बात है, तो बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा बाहर जी जी। जब मान साहब जैसे शख्सियत आती है तो हवा में खुशबू फैलती है, तो भीड़ इकट्ठी हो गई पूरी की पूरी आसपास, बहुत तेज बारिश थी, और वो जैसे बाहर निकले मीटिंग हमसे बात करने के बाद जाने लगे, तो एक बुजुर्ग जो लेडीज थी वो काफी खड़ी थी उनको देखने के लिए, उनको चाहने वाले में बुजुर्ग बहुत है, क्योंकि वो हमेशा अच्छी बात उन्होंने किया जी। तो उन्होंने सबके पांव को हाथ लगाया और सबने उनको आशीर्वाद दिया। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ के जब वो आगे उनको छोड़ने जा रहा, तो मैंने कहा सर ये आपने ऐसा क्यों किया, मतलब आप तो उनको जानते भी नहीं थे जी, जी। तो उनका जो जवाब था वो वही जवाब मैं आज मैं बच्चों को देता हूँ कि जब हम किसी के पैर को हाथ लगाते हैं ना, पैर को हाथ लगाना मीन रिस्पेक्ट देने का मीन है जी, जी, तो जी। हमारा कुछ जाता नहीं है और उसके पास कुछ रहता नहीं है, वो अपनी सारी ईमानदारी दुआएं आपके झोली में डाल, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है, और कोई नगद सौदा नहीं हो सकता। यही चीज देखी सर मैंने आपके कार्टून्स में भी, मोटू पतलू में भी, कहीं ना कहीं एक हिडन मैसेज होता है, कहीं ना कहीं एक मॉरल डेवलपमेंट होता है बच्चों का। बड़ा क्रिएटिविटी चाहिए कि आपको कार्टून भी बनाना है, बच्चों को बोर भी नहीं करना, और उसके अंदर एक इनहेरिट कर देना है कि एक मॉरल को उसके अंदर डेवलप कर देना। मेरे को बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं तो वो कार्टून से, बचपन में उन नॉवेल्स उन सब कॉमिक्स से सीखी। हमारे फादर साहब जो हैं वो कभी हमारे को कॉमिक खरीदने के लिए मना नहीं करते थे, और नॉवेल कभी उन्होंने खरीदने नहीं दिया हमारे को, उन्होंने कहा ये गलत है, इसे नहीं पढ़ने देंगे, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छा वो पढ़ो। हम कहते थे ये तो अच्छे राइटर हैं, वो कहते नहीं अच्छे राइटर नहीं है। जब कॉमिक हमें खुद ला के देते थे कि आप पढ़ो। तो सर जैसा आज के अगर हम देखें, आज के बहुत सारे ऐसे, मतलब मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्टून जिसके अंदर शायद, मुझे लगा आपने भी देखे होंगे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि कार्टून नेटवर्क मैं भी अभी भी देखता हूँ जब मुझे मन करता है कि मैं बचपन जीऊं जी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कार्टून्स भी हैं जो कि बच्चों को वो शिक्षा देने की जगह मुझे लगता है कि शायद इनके कैरेक्टर को खराब करने की बात कर रहे हैं। अभी आप समझ रहे होंगे मैं किन के बारे में, जापानीज एंड ऑल जो बहुत है सर
जी वो भाई सर ये शुरू करने का रीजन ही यही था ना कि उनमें हिंसा है, उनमें क्या है हमारा संस्कार और बाहर के संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर जी। हमारे यहाँ माँ बाप की एक लाइन को शिरोधरे लिया जाता है अपने सर के ऊपर आशीर्वाद के रूप में, वहां मुकाबला हो जाता है बच्चों में कि आपको हक ही नहीं है मुझे डांटने का, आप हाउ डेयर यू का वर्ड इंडिया में कभी पैदा भी नहीं हुआ था, ये बाहर से आया। तो वो उनके कार्टून की कोई गलती नहीं है, उनका वो नेचर एटमोस्फेयर ही वही है, वहां का हालात ही वही है, तो उन्होंने तो अपने हिसाब से बना रखे, अब हमने अडॉप्ट कर लिए क्योंकि हमें चलाना है नेटवर्क जी जी। तो इसलिए माँ बाप कभी देखने भी नहीं देते उनको ऐसे कार्टून, मोटू पतलू के लिए शायद ही किसी माँ बाप ने मना किया हो, कभी कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, दादर लगा के देते हैं। इसमें ना गाली होगी, इसमें ना कोई फूहड़पंती होगी, इसमें बड़ा प्यारा सा संदेश होगा और वो मस्ती होगी उसके अंदर, मस्ती होगी जी। तो वो चीजें सर अब उनको प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि च्वाइस आपकी है, इंटरनेट पे तो बहुत गंदगी भी पड़ी है, बहुत अच्छा भी पड़ा है, वेब सीरीज में इतने इतने वाहियात किस्म की वेब सीरीज भी पड़ी है लेकिन बहुत खूबसूरत भी पड़ी है, बहुत चॉइस आपकी, आप रोक नहीं सकते किसी को, आप टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते, रोकना चाहिए भी नहीं, मैं ये कहूंगा कि बैन कर दो, नहीं मैं कभी इस पक्ष में नहीं रहा, ठीक है यार आपको इतना आपका रिमोट आपका माइंड इतना मजबूत तो अपने बच्चे का बनाओ कि उसे यही पता होना चाहिए सही क्या है गलत क्या है और गलत क्या है जी बिल्कुल, और ना तो फिर आप क्या क्या बंद कर लोगे, आप कितनी दुकानें बंद कर लोगे, नहीं कर सकते ना जी, जी 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 जी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस दुनिया में इस तरह की प्रॉब्लम्स के और इस तरह की मुसीबतों के कांटे ही कांटे हैं, क्या आप एक एक कांटा चुन सकते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, लेकिन आप अपने पैरों में तो लेकिन आप अपने पैरों में तो जूते पहन सकते हो ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही सर, बेहतरीन बात है ये, बहुत 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 गहरी बात है सर ये, इतनी गहरी बात है कि सारी समस्याओं का समाधान आपने एक सेंटेंस में कर दिया। आप क्यों अपने आप को कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए, खुद उदाहरण बनिए, वो ऐसा है हम क्या करते हैं ना सर कि मैंने अगर बच्चा कोई गलती करता है तो वो भी तो ऐसा करता है, वो भी जो आप डिबेट में देखते हो टीवी में हर पार्टी को जो क्वेश्चन पूछते हैं वो अपनी बात नहीं करता, वो दूसरे की पहले शुरू, दूसरे की, अरे यार दूसरे की गलती बताने से आप थोड़ा ना सही हो जाते हो, दूसरे की डकैती आपकी, हाँ बच्चन साहब बोले थे ना दूसरों के पाप गिनाने से तुम्हारे अपने पाप कम नहीं हो जाते। हाँ जी, जी जी जी। तो सर अभी आगे आपका जैसे आज की तारीख में अगर हम देखें कोविड के बाद में, ये लास्ट क्वेश्चन है मैं इसके बाद में और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा सर, अभी जो कोविड का सीजन चला जी, इस कोविड में सर काफी हमने देखा कि एक बहुत बड़ा डेंट जो आया है वो फिल्म इंडस्ट्री को आया जी जी, बाहर आप क्योंकि पूरी टीम चाहिए होती है, सब बिखर गया, काफी काफी लोग अलग जॉब पे चले गए, कुछ लोग जो टेक्निकल कर सकते थे, अभी जो फिल्म आ रही है वो सिनेमा थिएटर में हॉल में ना लग के वो इन चैनल्स के थ्रू नेटफ्लिक्स अमेज़न इन पे आ रही है जी। सर क्या एनिमेशन को भी कहीं कोई डेंट आया है या आपके कार्टून वाले पार्ट में कहीं आपको लगता है कि यार इस कोविड की वजह से मुझे भी डेंट आया? नहीं नहीं आया सर, इसमें कम आया, मतलब हल्का सा, दो चार महीने तो सभी रुके थे जब वो लॉकडाउन जी, तो जी इसमें, लेकिन तब भी नहीं रुके क्योंकि ये काम इन हाउस है जी, ये जी, काम जी। अगर मैं एनिमेटर हूँ या आप एनिमेटर हो तो आप नहीं आ सकते ऑफिस, तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, आप अपने घर में भी बैठ के बना सकते हो और मुझे भेज सकते हो मेल से, तो इसलिए हमारी लाइन टचवुड बची, जो हमारी लाइन के राइटर वाइटर जो हम सब लोग थे वो जो अंदर बैठ के काम करते हैं वो काम कर जी, प्रॉब्लम सिर्फ वहां आती है आउटपुट में, सिर्फ आप काम करना ही नहीं होता ना, काम को सामने लाने के लिए भी आउटपुट भी चाहिए जी, तो वो फर्क तो सबको पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, ये कुदरत के सर वक्त है, आज तक कोई कौन सी रात है जिसके बाद सवेरा ना हुआ हो, मैंने तो देखी नहीं जब से मैं पैदा हूं, ये चलता है, ये हमारे को सबक है सर, शुक्र कीजिए ये कोरोना आया, मैं तो शुक्र गुजार हूं ऊपर वाले का, लेकिन उसके बावजूद भी हम बेलो अगर अकल नहीं आ रही है, अरे सर हम प्रकृति का हमने बीड़ा बिल्कुल जी नाश कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल सही, हमने नाश कर दिया, हमने पेड़, मुझे बताइए 10 आदमियों से पूछता हूँ क्या पेड़ लगाते हो, तो मेरा 99% को इसका ज्ञान भी नहीं कि पेड़ भी लगाना चाहिए एक तो पहली बात तो जगह ही नहीं है किसी के पास, दूसरी बात काटने में सभी शेर है, सड़कों सड़कें बनाने के लिए मैंने हजारों पेड़ कटते देखे हैं पंजाब के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, लाड़ू के पास मैं कभी जाता चंडीगढ़ जाता था तो मैं इतनी बेल्ट थी ग्रीन, सब उड़ गई सारी की सारी, सब उड़ गई है, सब उड़ गई, लगे कितने
काटे मतलब 10,000 लगाया, 1,000 उनमें से 500 भी नहीं फले फूले और वो भी मर जाते हैं, पानी वानी कुछ नहीं है, धुआं इतना जी। गलती से पंगा मत लो, वो रिसाइकल वो जी करेगी, वो वहीं पहुंचा देगी जहां से वो चली थी, और उसने पहुंचा दिया था कुछ महीने। जी जी बिल्कुल सर, ये हमारी अपनी गलती का फल है कोरोना, कोई बीमारी नहीं है कोरोना। आपको सबक देने के लिए उसका ईश्वर का एक सिर्फ ट्रेलर है, अगर आप नहीं माने सोचिए फिल्म फिल्म आ जाएगी। जी जी सर, अब आगे आपका फ्यूचर के लिए कोई आगे आपका कुछ ऐसा जो हम बताना चाहें अपने दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहेंगे कि आगे कुछ नया आने वाला है क्या? हाँ बिल्कुल आने वाला है सर, एनिमेशन में भी आने वाले हैं, मिनी है, नीटू है, वो सीरीज लगभग तैयार होने को है। उसके अलावा अगर हम फिल्मों की बात करें तो शॉर्ट्स मूवी का इस समय मैं बहुत ज्यादा लिख भी रहा हूँ और वेब सीरीज भी कर रहा हूँ, एक बायोपिक है किसी की, वो भी हम बताएंगे जैसे उसका कुछ सामने आता है तो जी, वो जी, सब चीजें हैं, वक्त लगता है क्योंकि सर सहज पके सो मीठा होए, बस धीरे धीरे कीजिए, भागना नहीं है हमें, कोई वो दुनिया में ऐसे झंडे नहीं गाड़ने हैं कि जो कि हमें सिर्फ हम ही ने किया, ऐसा हम ही कुछ नहीं करते, मैं कुछ नहीं होता, हर जो हर में है, जो बाहर है, जो घर में है, जो रात में है, जो दिन में है, जो पल में है, जो छिन में है, जो खोजोगे तो पाओगे, पाओगे तब जब कुछ गवाओगे, गवाओगे तो पछताओगे, पछताओगे तो क्या पाओगे, ठन ठन गोपाल तेरा मेरा एको जिया हाल, तेनु पंजी दा सवाल मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, कमाल सर, आपको आपसे तो मैं अभी एक घंटा और भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल अभी और टाइम का स्लॉट का रहता है तो मैं चाहूंगा, लेकिन सर मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूंगा, एक बार और आपसे मिलना चाहूंगा, और जब आपकी कभी भी कोई नई वो सीरीज आ रही होगी तो सर एक बार पहले आप मुझे जरूर बताएंगे, मैं उसके प्रमोशन में आइए, शायरी एक शायर लाइए, शायरी पे बातें करते हैं, कुछ रोमांस पे बातें, कहां कोरोना की बातें ले बैठे, छोड़िए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल, आपका आपको मेरे जी जी जाते जाते शेयर सुना देता हूँ, मेरा मूड जाग गया कि हर शख्स का जीना अजीब होता है जी। हर शख्स का जीना अजीब होता है, जिंदगी और मौत का रिश्ता करीब होता है, किसको मोहब्बत में मिल जाए सकूं है मेरे दोस्त, वो शख्स इस दुनिया में बहुत खुश नसीब होता है, होता है बहुत, और महबूब की गली में, ये उन लोगों के लिए जिनकी शादियां नहीं ना, वो चक्कर लगाते हैं महबूब की गली में, जी की गली में मेरे दोस्त कोई ना कोई शख्स तो बदतमीज होता है, और यार जब भी गुजरो बाखबर गुजरो, क्योंकि यार की गली का कुत्ता भी चीज होता है, और इश्क में इसका अंत देखिए, और इश्क में किसी आशिक को ना सर मारिएगा ताने, क्योंकि हर आशिक दिल का मरीज होता है, मरीज होता है, वाह सर वाह, वाह सर वाह, मजा आ गया सर, कुछ नहीं दिल के मामले में रही मस्त रही, इसीलिए आपको किंग बोला जाता है एनिमेशन का, स्क्रिप्ट का, हर जगह आपको किंग ही बुलाया जाता है, आप खड़े हुए इंसान को, ओ ये किंग है कि ये किंग है सर, बस हम तो कठपुतलियां हैं, नचा रहा है वो, उसको नचाने दीजिए, बहुत बड़ी तोप है। जी बिल्कुल सर, तो सर बहुत 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 शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती समय हमें दिया, और मैं उस बारे में सर अभी भी आपसे बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने जो आपसे कहा था कि मैंने आपको गुरु मान लिया है, तो मैंने मान लिया है, मैं इसके अंदर कहीं कोई मेरे कोई शो की वजह से नहीं बोल रहा था, या मैं शो पर बोल रहा हूँ इतनी हिम्मत में कर पा रहा था, बट सर लिटरली आप हैं ऐसी शख्सियत जिसको कोई भी प्रणाम करने के लिए अपने आप को खुशकिस्मत समझेगा सर, सब बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया सर, कभी भी आपको किसी समय भी बुलाना हो तो ये दास हाजिर सर, सर सर नमस्कार।